इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मार्शल का गला दबाने के आरोपी सांसद एलाम आराम करीम ने राज्यसभा सचिवालय की लिखी चिट्ठी, घटना की जांच की मांग। आरोपी सांसद एलाम आराम ने दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की, कहा मार्शल ने मुझ पर हमला किया था। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के हंगामे की जांच के लिए बनाई जा सकती है कमेटी, सभापति वेंकैया नायडू ने कहा मामले पर विचार विमर्श जारी। वेंकैया नायडू का बयान, सत्ता पक्ष और विपक्ष मेरी दो आंखें, दोनों मेरे लिए बराबर। सभापति वेंकैया नायडू ने सांसदों को दी नसीहत, कहा सदन चर्चा के लिए होता है ना कि सियासी लड़ाई के लिए। राज्यसभा में हंगामे पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, कोई सुनवाई नहीं होती है तो जनप्रतिनिधि का सब्र तो टूटेगा ही। कांग्रेस सांसद फूलो देवी का बयान, मार्शल के धक्का देने पर आई चोट, राज्यसभा में मौजूद थे 30 से 35 पुरुष मार्शल। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने लोकसभा और राज्यसभा के सभापति की भूमिका पर उठाए सवाल, कहा जितने तटस्थ होना चाहिए दिखता नहीं है। गुजरात इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए पीएम मोदी, समिट में नेशनल व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी की लॉन्च। पीएम ने कहा कचरे से कंचन के अभियान की कड़ी है पॉलिसी, पॉलिसी से आएगा परिवर्तन, बढ़ेगी आत्मनिर्भरता। पुराने वाहन को स्क्रैप करने पर मिलेगा सर्टिफिकेट, नई गाड़ी खरीदते समय सर्टिफिकेट दिखाने पर होगा फ्री रजिस्ट्रेशन। जुलाई 2022 से बैन होंगी सिंगल यूज प्लास्टिक, सरकार ने अधिसूचित किए प्लास्टिक प्रबंधन संशोधित नियम 2021। एनबीएम न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के नाम से जाना जाएगा, इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने किया ऐलान। रजत शर्मा ने कहा एनबीडीए अब ब्रॉडकास्ट और डिजिटल मीडिया की भी सशक्त आवाज बनेगा, इसमें डिजिटल मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टर्स भी शामिल होंगे। ट्विटर इंडिया के एमडी पद से हटाए गए मनीष माहेश्वरी को अमेरिका भेजा गया। ट्विटर के एक्शन के खिलाफ राहुल ने इंस्टाग्राम पर लिखा पोस्ट, कहा डिजिटल दादागिरी नहीं चलेगी। राहुल गांधी ने कहा अगर संवेदना और सहानुभूति दिखाना अपराध है तो मैं दोषी हूं। राहुल द्वारा पीड़ित परिवार को पहचान उजागर करने का मामला, एनसीबीसीआर ने फेसबुक और इंस्टाग्राम से 3 दिनों से मांगा जवाब। राहुल ने ट्विटर पर पक्षपात करने का लगाया आरोप, कहा सरकार की सुन रहा है ट्विटर, हमें ट्विटर पर दिखी थी आशा की किरण। विपक्षी दलों को एकजुट करेंगी सोनिया गांधी, 20 अगस्त को बुलाई वर्चुअल मीटिंग, ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे होंगे शामिल। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम को उम्मीद, बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता से आने वाली समस्याएं जल्द दूर होंगी। चंडीगढ़ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा आम आदमी पार्टी में हुए शामिल, दिल्ली में ली सदस्यता। अमृतसर में सिद्धू ने ठोकी कैप्टन के खिलाफ ताल, कहा कृषि कानूनों को आप रद्द कर दो नहीं तो विधायक रद्द कर देंगे। सिद्धू का ऐलान पंजाब के हितों के लिए नहीं करेंगे समझौता, 2022 में दोबारा सरकार बनी तो बिजली समझौतों और खेती कानूनों को करेंगे रद्द। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को लिखा खत, कहा बिना जनगणना के पिछड़े वर्ग की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का नहीं हो सकेगा सही आकलन। तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा पीएम ने अभी तक मुलाकात का नहीं दिया समय, इससे अपनी हैसियत समझे नीतीश कुमार। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक का बड़ा फैसला, पंचायत चुनाव में 27% ओबीसी उम्मीदवार उतारेगी बीजेडी। 14 अगस्त को 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल, हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आजादी के 100 साल पूरे होने तक हमें आत्मनिर्भर बनना है। आजादी के अमृत महोत्सव पर रणदीप गुलेरिया ने रक्तदान शिविर का किया उद्घाटन, कहा इससे बेहतर कोई सेवा नहीं। 15 अगस्त से 1 साल तक कार्यक्रम करेगी बीजेपी युवा मोर्चा, 15 अगस्त को हर जिले में होगा सामूहिक राष्ट्रगान। आजादी के 75 साल पूरा होने के अवसर पर शत्रुजीत ब्रिगेड ने मनाया अमृत महोत्सव, 75 जवानों ने आसमान से लगाई छलांग। यूपी में 13 अगस्त से पेट्रोलिंग और चेकिंग करेंगे पुलिस अधिकारी, महत्वपूर्ण जगहों पर बरती जाएगी सतर्कता। उत्तराखंड में 15 अगस्त को लेकर अलर्ट जारी, बिना इजाजत के नहीं उड़ा सकते ड्रोन। दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर अलर्ट, दिल्ली पुलिस के टॉप अधिकारियों ने लाल किले में की बैठक, पुलिस कमिश्नर दफ्तर में भी हुई मीटिंग। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के धार्मिक स्थलों पर गड़बड़ी की आशंका, टूलकिट के जरिए किया जा सकता है माहौल खराब। हरियाणा के अंबाला में बवाल, हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज को काले झंडे दिखाने पहुंचे किसान गिरफ्तार। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में हाईवे पर धरने पर बैठे किसान, प्रदर्शनकारी किसानों के पास से पुलिस ने बरामद की तलवार। 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी, 55 पिस्टल और 50 कारतूस के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में अमेरिकन एम्बेसी में निर्माण के दौरान गिरी क्रेन, 1 मजदूर की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। मुंबई में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की टीम पर विदेशी ड्रग्स माफियाओं का हमला, 4 लोग घायल, 1 आरोपी गिरफ्तार। ओडिशा स्पेशल टास्क फोर्स की कार्रवाई, 1.5 किलो ब्राउन शुगर के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। बारामूला के सोपोर में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड हमला, 1 हेड कांस्टेबल और 2 आम नागरिक हुए घायल। जैश ए मोहम्मद का कमांडर लंबू का करीबी था, कुलगाम एनकाउंटर में मारा गया आतंकी उस्मान, जम्मू कश्मीर के आईजीपी का बयान। देश में कोरोना के 40,000 से ज्यादा नए मामले, 585 लोगों की मौत। ओडिशा में कोरोना के 1,193 नए केस, 24 घंटे में 60 लोगों की हुई मौत। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लक्षद्वीप प्रशासन का फैसला, आइलैंड से मेनलैंड की ओर यात्रा पर लगाई रोक। किन्नौर लैंडस्लाइड में 16 लोगों की मौत की पुष्टि, स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने दी जानकारी। और रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 593 अंक की बढ़त, निफ्टी भी 164 अंक चढ़ा।
मीनाक्षी जोशी वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।